गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का अध्ययन कर लिया था। आज हम आपको बताएंगे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, देखिए, आपको पता था नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रत्येक अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, किसी में 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो एवरेज अबल 2.5 मान लिया था। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में प्रत्येक अभिक्रिया में न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और ये न्यूट्रॉन एबल है, यानी कि तैयार है और नाभिक के अन्य नाभिकों को ये विघटित करने के लिए। जैसे ये देखिए 92 यूरेनियम 235 है, इस पर हम न्यूट्रॉनों की बौछार करते हैं। एक बनेगा आपका 56 Ba 144 और ए बनेगा आपका 36 Kr 89। साथ के साथ तीन न्यूट्रॉन भी निकलेंगे। ये न्यूट्रॉन एबल है, यानी कि सक्षम है तीन और यूरेनियम के न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, डिगे करने के लिए। तो अब ये न्यूट्रॉन दोबारा से रिएक्ट करता है किस पे? 92 यूरेनियम 235 से, और ये रिएक्ट करता है, ये देखिए 56 Ba। आप चाहे तो 56 Ba 141 और 36 Kr 92 भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, पर जो ले एक बार ही ले, फिर बदले ना उसको। 36 Kr 89 और तीन न्यूट्रॉन भी निकलेंगे। तो हर एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी में 3 किसी में 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे और ये 3 या ये 2 न्यूट्रॉन एबल होते हैं, तैयार होते हैं यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विघटित करने के लिए। तो ये अभिक्रिया चलती रहती है, तो इसी को ये जब तक चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण यूरेनियम समाप्त ना हो जाए, इसी को हम बोलते हैं नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार। आइए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है न्यूट्रॉन गुणन गुणांक, जिसको हम लोग पुनरुत्पादन गुणांक भी कहते हैं। न्यूट्रॉन गुणन गुणांक, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, पुनरुत्पादन गुणांक। कैसे, देखिए आपको बता दूं, जब भी कभी नाभिक विखंडन होता है, जैसे 92 ये विघटन हुआ था, तो मैं आपको बता दूं इसको वैसे के से लिखते हैं, मतलब विखंडन के पश्चात नाभिक के किसी जरत में, या कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं किसी एक पीढ़ी में विखंडन के पश्चात जनित न्यूट्रॉनों की संख्या, किसी एक पीढ़ी में विखंडन के पश्चात
जनित जनित न्यूट्रॉनों की संख्या बटे विखंडन से पूर्व न्यूट्रॉनों की संख्या के अनुपात को ही हम बोलते हैं पुनरुत्पादन गुणांक या न्यूट्रॉन गुणन गुणांक, है ना। ये कैसे लिखते हैं, यहां तीन स्थिति है। पहली, k इज ग्रेटर देन 1, अगर k का मान 1 से ज्यादा होगा तो क्लियर है कि विखंडन के पश्चात जो न्यूट्रॉन जनित हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी संख्या विखंडन से पहले न्यूट्रॉनों की संख्या से क्या होगी, अधिक होगी। अगर किसी पीढ़ी में विखंडन के पश्चात जनित न्यूट्रॉनों की संख्या विखंडन में जनित न्यूट्रॉनों की संख्या से क्या होगी, अधिक होगी, इस कंडीशन में अगर k की वैल्यू 1 से ज्यादा है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए विखंडन से पूर्व न्यूट्रॉनों की संख्या 100 है और विखंडन के बाद 105, तो ये कैसी अभिक्रिया हो रही है आपकी, k इज ग्रेटर देन 1। इस अभिक्रिया में एक तरह से कंट्रोल में नहीं रहेगी आपकी अभिक्रिया, इसमें लगातार न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती हुई जाएगी। इसका उदाहरण है परमाणु बम, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, नियंत्रण से बाहर। दूसरा है k बराबर 1, अगर k बराबर 1 होगा तो आप कह सकते हैं जितने न्यूट्रॉन विखंडन के पश्चात है उतने न्यूट्रॉन विखंडन से पूर्व होंगे, यानी इस अभिक्रिया में एक बैलेंस सा बना रहेगा, विखंडन से पूर्व और विखंडन के पश्चात न्यूट्रॉनों की संख्या में लगभग एक बैलेंस सा बना रहेगा, है ना। और इसको इसी को अपन बोलेंगे, इसके लिए न्यूट्रॉन गुणन गुणांक के मान क्या होगा, एक होगा। इस अभिक्रिया में एक तरह से संलयन सा बना रहेगा, जितना विखंडन से पहले है उतना विखंडन के बाद, ठीक है। ये नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया भी कहलाती है, जैसे अभिक्रिया से पहले 100 न्यूट्रॉन हो और अभिक्रिया के बाद भी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, 100 हो, तो ये इसकी स्थिति है। तीसरी है k less than 1, अगर न्यूट्रॉन गुणन गुणांक का मान 1 से कम होगा तो क्लियर है कि इस स्थिति में विखंडन के पश्चात जनित न्यूट्रॉनों की संख्या विखंडन से पूर्व न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होगी, यानी विखंडन के लगातार न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए किसी विखंडन में अभिक्रिया से पहले 100 न्यूट्रॉन थे और अभिक्रिया के बाद 90 रह गए, फिर अगली बार 90 तैयार है तो फिर वो 90 से कम आएगा 80, फिर 80 तैयार है फिर उससे भी कम आएगा, यानी विखंडन इसमें क्या होगा कि लगातार न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी होती जाएगी, और जब न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी होती जाएगी तो श्रृंखला अभिक्रिया सर्वाइव नहीं कर सकती, अर्थात संचालित नहीं रह सकती। श्रृंखला अभिक्रिया तभी काम करेगी जब या तो k का मान 1 के बराबर होगा या k का मान 1 से ज्यादा होगा, अदरवाइज श्रृंखला अभिक्रिया आपकी काम नहीं कर सकती, ठीक है। देख लीजिए एक बार, फिर बात करते हैं। चलिए देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मतलब श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार। श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, पहली है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, हाँ जी। अगर मान लो जैसे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप एवरेज लेवल 2.5 न्यूट्रॉन निकलते हैं, अगर न्यूट्रॉन निकले तो ये आगे यूरेनियम के नाभिक को विखंडित करने के तैयार रहते हैं, और ये तो प्रक्रिया जब तक चलती रहती है तक संपूर्ण यूरेनियम समाप्त ना हो जाए। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से क्या मतलब है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से मतलब है इस अभिक्रिया में विखंडन के पश्चात जनित न्यूट्रॉनों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी और के का मान बहुत बहुत ज्यादा होगा 1 से, तो जब न्यूट्रॉन लगातार स्पीड में बढ़ते जाएंगे तो ये अभिक्रिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए न्यूट्रॉन गुणन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है और तेजी से इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है और वो है परमाणु बम। परमाणु बम जो है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का काम करता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है।
एक तरह का मैसिव एक्सप्लोजन होता है। मैसिव एक्सप्लोजन मतलब, मैसिव एक्सप्लोजन मतलब बहुत ही तेज विस्फोट होता है, ना इधर ना उधर कुछ नहीं दिखता, मैसिव एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराए गए थे तो उस टाइम पर ही करीबन 3.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। तो यह अनियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया। और दूसरी है आपकी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अगर आप कोई ऐसी प्रोसेस लगा लें, कोई ऐसा सिस्टम बना लें जिससे न्यूट्रॉनों की संख्या पर काबू बनाया जा सके, जैसे मान लीजिए 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं हमेशा, कोई ऐसी व्यवस्था लगा लें कि 3 में से 2 को तो रोका जा सके और 1 आगे बढ़ जाए, 2 को रोका जा सके और 1 क्या हो आपका आगे बढ़ जाए, तो ये रिएक्शन जो है वो चालू रह सकती है। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया ये है कि इसमें ये होगा कि भाई आप कोई ऐसी प्रोसीजर लगा लें जिससे आप न्यूट्रॉनों की संख्या पर काबू पा लें, यानी विखंडन की दर को एक सीमित रख सकें, जिसके लिए न्यूट्रॉन गुणन गुणांक का मान क्या होगा? 1 होगा। अगर आप ऐसा कुछ व्यवस्था बना लेते हैं, ऐसा कोई सिस्टम बना लेते हैं, तो पहली बात तो ये विखंडन तो होगा लेकिन एक लिमिट में चलेगा, और इससे एक ऊर्जा, इससे मतलब एक तरह से विखंडन अभिक्रिया तो चलेगी पर एक लिमिट में चलेगी, तो उसको बोलेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और वो है परमाणु भट्टी। हमको बहुत डिटेल में इसके बारे में स्टडी करनी है, भट्टी कैसे काम करेगी ये हम बहुत डिटेल में इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलिए, एक छोटा सा टॉपिक हमारा बीच में रह गया, वो ये था कि एक ग्राफ है, इसमें उस ग्राफ को और देखिए, ये ग्राफ एक्चुअली में विखंडन में था, ये आज जो हमने आपको श्रृंखला अभिक्रिया स्टार्ट किया उससे पहले बताना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, एक ग्राफ ये और कुछ नहीं है, ये ग्राफ है आपका उत्पाद नाभिक का प्रतिशत, उत्पाद नाभिक का प्रतिशत और द्रव्यमान संख्या के मध्य आपको ग्राफ बनाना था। ये ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आता है n की तरह शेप का, ठीक है, और ये ग्राफ ये बताता है कि मैंने कहा था ना कि नाभिक के विखंडन अभिक्रिया 20 से भी अधिक है, तो ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 90 से 100 या 135 से 145, नाभिक की अभिक्रिया जो मैंने बेरियम और क्रिप्टन की बता दी, क्या वही है? मैं कह रहा था ना उत्पाद नाभिक तो बहुत सारे हो सकते हैं, कई सारी अभिक्रियाएं हैं, तो जैसे हमने ये ग्राफ बनाया तो इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि जितनी भी उत्पाद नाभिक होंगे उनमें मैक्सिमम ऐसे नाभिक होंगे जिनकी द्रव्यमान संख्या 90 से 100 के बीच में हो या 135 से 145 के मध्य। ये है उत्पाद नाभिक प्रतिशत में ऐसे नाभिक होंगे जिनकी द्रव्यमान संख्या या तो 90 और 100 के बीच में हो या 135 और 145 के मध्य हो, तब ये व्यवस्था बनेगी। समझ गया? तो ऐसे आप कल की रिएक्शन देख लीजिएगा, कल जो मैंने आपको नाभिक के विखंडन से संबंधित अभिक्रियाएं कराई थी उनमें जो हमारे उत्पाद नाभिक मिल रहे थे, 2 मिल रहे थे ना, तो एक नाभिक तो ऐसा आ रहा होगा जिसकी द्रव्यमान संख्या 135 से 145 के मध्य होगी और एक ऐसा आ रहा होगा जिसकी द्रव्यमान संख्या 90 से 100 के मध्य होगी। ठीक है, और ये आपका इस तरह से ये ग्राफ है। और ये रही बात परमाणु भट्टी की, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो परमाणु भट्टी रहेगा, थोड़ा बहुत जानते ही है परमाणु भट्टी के बारे में। ये नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, इसको हम कल समझाएंगे, कल का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर आधारित रहेगा, ज्यादा बड़ा रहा नहीं है चैप्टर, मैंने आपसे कहा 2-1 दिन का और है बस समाप्त होने पर ही है। ओके, दैट्स ऑल।